राशन वितरण प्रणाली को लेकर भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त हो, लेकिन चोरी करने वाले अपना रास्ता अधिकारियों के सहारे खुद ही ढूंढ लेते हैं। इसका एक जीता जागता सबूत खुद आपके नजरों में से देख लें। बता दूं कि कुशीनगर जनपद के तहसील पडरौना अंतर्गत गांव खुजरिया में एक चर्चित कोटेदार के यहाँ से मिट्टी का तेल ग्रामीणों ने ब्लैक करते रंगे हाथों दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दे डाली। वहीं मौके पर पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिट्टी के तेल के गैलन के साथ कोटेदार के बड़े लड़के को भी अपने साथ थाने में ले गए और हवालात में बंद कर दिया, जिसके कुछ ही देर बाद तहसील की पूर्व इंस्पेक्टर रत्नेश मिश्रा भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों का बयान लिया और शिकायत पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया। वहीं ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे गांव के कोटेदार पूर्व से भ्रष्टाचार के मामले में पर राशन वितरण में धांधली के मामले में कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन दोबारा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। फिर उसी घटना को दोहराते हुए ग्रामीणों को धमकी भी देता है, जिससे ग्रामीण परेशान रहते हैं। वहीं जनपद के आला अधिकारियों व तहसील के कर्मचारियों के मिलीभगत से कोटा बहाल हो जाता है। अगर ऐसा ही भ्रष्टाचारियों को छोड़ दिया गया तो इनका मनोबल और भी बढ़ता जा रहा है। वहीं कोटेदार से जब ग्रामीणों के शिकायत के बारे में पूछा गया तो कोटेदार ने बताया कि यह सब बात झूठ और पूरे ग्रामवासियों को मिट्टी का तेल वितरण किया गया है, उसके लिए भी झूठा इल्जाम लगाकर हमको परेशान किया जा रहा है। गाँव बटा गल माटी के तेल और लोग कहता है कि एक सामने बानी तक रुका था, हम नहीं बोले सब अंदरगल में काम चला था। नहीं, जैसे बांटे हैं आप तो फिर कैसे लोग कह रहे कि हम नहीं पाए हैं? आप कह रहे हैं हम बांटे हैं, हम बटले नहीं की तलवा तेल बांटे नहीं है। हम कितने दिनों से कोटा नहीं है आपका? कहा तुम्हारा ढेर दिन से। क्या नाम है आपका? गोपी चंद। क्या मामला है यहाँ पे? यहाँ कोटा को लेकर मामला है, मिट्टी का तेल ब्लैक होता है, राशन ज़्यादा दाम पर बेचा जाता है और गरीब लोग पाते नहीं हैं। गांव में कितने लोग संख्या में शिकायत करता होंगे इसका? शिकायत इस समय बहुत लोग होंगे। तब भी संख्या बताइए। 100-150। अच्छा, ये लोग राशन समय से नहीं पाते हैं क्या? नहीं। अच्छा, जब राशन जब लाना होता है तो पूरा कार्ड चढ़ जाता है, जब बांटना होता है तो ज़्यादा कट जाता है। पूरा बता दें। इस समय 80 कार्ड कटा है, उसका राशन वो नहीं दिया। हाँ, कहता आपका नाम ही नहीं है। जब उठाना पड़ता है तो सब राशन कार्ड चढ़ा देता है, उसके बाद भले कर देता है। अभी अभी हम सुबह मिट्टी का जैसे आपको कैसे जानकारी होती है, कैसे ये सब की जानकारी? जब हम दरवाजे पर, हमारे दरवाजे रोज सेल होता है यहीं से। हाँ, मानिए तो हमको सब मालूम है। तो इसके पहले आप नहीं पकड़वाए हैं, आज पकड़वाए हैं? कई बार सस्पेंड भी हो चुका है, 4 बार फिर बहाल हो गया। मान लीजिए कोई हम लोग गरीब आदमी कितना। ये कब से ये हो रहा है, ये खेल कब से चल रहा है? अरे 2 साल से। इस समय तो दादरी बहुत ज़्यादा चल रही है। गुनाला यादव। ठीक है, मामला यही है कि हमारे वहाँ का कोटदार है जो मिट्टी का तेल ब्लैक कर रहा था, सुबह से पकड़ा गया और हम लोग 100 नंबर पे डाल किए। 100 नंबर आई गाड़ी लेकर थाने में गई है, वो मिट्टी का तेल वहीं रखा गया है और कोटेदार कहने को कह रहा है कि जिसको जो मर्जी वो करे। और जैसे कोटेदार से पूछा गया है तो वो बता रहे हैं पूरे गांव को हम मिट्टी का तेल वितरण कर चुके हैं। पिकअप से लाद के गया है 4 ड्रम। अच्छा, रात में भी गया था 1 ड्रम। कौन लोग थे, कौन लोग लेके जा रहे थे, वो कहाँ जा रहा था? लोग लेके जा रहे थे जो पिकअप में लेके गए थे, उसको तो हम लोग पहचाने नहीं, लेकिन अभी जो गैलन में लेके जा रहा था उधर ही का था कोई लोगा, लेकिन नाम नहीं मालूम है। अभी कोटेदार साहब बताएंगे कौन सा आदमी था। अभी मैंने फोटो भी लिया हम लोग, तो उसका फोटो फिंगर पता चल रहा है कौन है, हम लोग पहचान लेंगे। लेकिन कोटेदार साहब से मना करने को कह रहे हैं कि भाई जिसको जो मर्जी वो करे, हम लोग ब्लॉक करेंगे। मिट्टी का तेल उठ ही नहीं रहा, गाँव में कोई पा ही नहीं रहा है। क्या रेट क्या देते हैं मिट्टी का तेल का? 3600 रुपया। अच्छा, क्या नाम है आपका? वो ब्लॉक किया हूँ तो 45 रुपये किया है। नहीं, आपका क्या नाम है? दिनेश यादव।